सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जा रहे हैं हम एक छोटा सा फ़ैन बनाने जा रहे हैं जो कि डीसी वोल्ट से चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक इंपेलर यानी एक पंखड़ी चाहिएगी, एक 9 वोल्ट का बैटरी, एक मोटर डीसी वोल्ट, एक स्विच और बैटरी से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर, और वायर्स जो कि बैटरी से मोटर को कनेक्ट करेगी, और बेस के लिए हमें ये लकड़ी का एक वो चाहिएगा प्लेट, और एक ये पोल चाहिएगा हमें लकड़ी का। तो दोस्तों अब करते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू। देखिए सबसे पहले हम इस पोल को बैटरी यानी इस प्लेट पर खड़ा कर लेंगे ऐसे। तो देखिए कैसे करते हैं। दोस्तों पोल के ऊपर हम मोटर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने पोल के ऊपर मोटर को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब हम मोटर के कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन के लिए हमें कुछ वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैंने वायर ले लिया। अब सबसे पहले हम बैटरी को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर। अब दोस्तों बैटरी के यानी मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं हम। तो दोस्तों मोटर के हम कनेक्शन कर चुके हैं। दोस्तों ये रहा स्विच, स्विच को हम यहाँ पर लगाएंगे और एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे स्विच को। तो ये दोस्तों बैटरी से हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब स्विच को हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से।
तो दोस्तों इसमें मैं अब इंपेलर लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों अब हमारा फ़ैन पूरी तरह से तैयार है प्रैक्टिकल के लिए। अब टेस्टिंग करते हैं हम इसकी। ये देखिए, ये यहाँ पर बटन है, ये बैटरी है, और ये हमारा मोटर है। और जैसे मैं स्विच को दबाऊंगा और ये वर्क करने लगेगा। मैंने ऑन कर दिया। अब ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया तो फ़ैन बंद हो गया, और मैं दोबारा ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि सफल हुआ। तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट आप घर पे अपने कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी सारी वीडियोस मेरी हिंदी में होती है, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।